यूक्रेन के लीव में कई लोगों ने रूस के सैनिकों से निपटने की ट्रेनिंग ली। वहां रहने वाले लोगों को डर है कि रूस की सेना कभी भी उनके इलाके पर हमला कर सकती है, इसलिए लीव के कई लोगों ने रूसी सेना से लोहा लेने के लिए कमर कस ली, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उसमें एक तस्वीर में कुछ लोग एक योगा सेंटर में जंग लड़ने की तकनीक सीखते दिखाई दिए। कोई हमले से बचने की ट्रेनिंग लेता दिखा तो कोई दुश्मनों पर वार करने की तकनीक को आजमाता नजर आया। इस ट्रेनिंग सेंटर में हर उम्र के लोग शामिल हुए। बताया गया कि इस ट्रेनिंग का मकसद दुश्मनों से खुद की सुरक्षा करना है। हालांकि इससे पहले भी यूक्रेन के कई आम लोग हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले चुके हैं और कई जगहों पर रूसी सेना से इन लोगों ने लोहा भी लिया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन इस वक्त अपने ही सियासी जाल में फंस गए हैं। लौटकर बुद्धू घर को आए वाली कहावत की तरह उन्हें उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर डोनाल्ड ट्रंप चल रहे थे। ट्रंप के बिजनेस मॉडल का विरोध करते हुए बाइडेन चुनाव जीत कर आए, लेकिन यूक्रेन की जंग के बाद उनके सामने दूसरा कोई विकल्प बाकी नहीं बचा है और उन्हें वही करना है जो उनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। या यूं कहिए कि ट्रंप की जिस नीति का वो विरोध कर रहे थे उन्हें उसी नीति को आगे बढ़ाना है। पूरा खेल तेल का है। कच्चे तेल ने रूस को सबसे मुश्किल वक्त में होने के बावजूद डूबने से बचा लिया। तिनके का ही सही, लेकिन पुतिन को ऐसा सहारा मिला कि रूस की पूरी इकोनॉमी को अकेले तेल ने डूबने से बचा लिया। अब बाइडेन के सामने चुनौती ये है कि वो पूरे यूरोप को कच्चे तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई करे। इतना तेल और गैस निकालना अमेरिका के बस की बात नहीं है, लेकिन उसे अपनी हर नीति इसी मकसद के इर्द गिर्द बनानी है। कोशिश यही करनी है कि यूरोप का सहारा बनने से पुतिन को रोका जा सके। अमेरिका की कच्चे तेल की बिक्री से जुड़ी नीति और उसका कारोबार ट्रंप के 4 साल के कारोबार में पूरी तरह बदल गया। यूं समझिए कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था उस वक्त नाजुक दौर में थी जब ट्रंप आए, लेकिन कारोबार करने के उनके तौर तरीकों ने तस्वीर ही बदल कर रख दी। इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया में कच्चा तेल निकालने में पहले नंबर पर है, लेकिन सबसे बड़े एक्सपोर्टर जब भी गिने जाते हैं तो अमेरिका काफी पीछे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका बड़ा मुल्क है और उसे पहले अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है, उसके बाद बचा हुआ तेल वो एक्सपोर्ट करता है। लेकिन ट्रंप ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने के लिए तेल को एक ऐसा हथियार बनाया है कि पूरा गणित ही बदल कर रख दिया। 2016 में जब बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उस वक्त अमेरिका रोजाना 500,000 बैरल मतलब 5 लाख बैरल कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता था। लेकिन कोरोना वायरस के कारण जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा तो अमेरिका का एक्सपोर्ट 36 लाख बैरल रोजाना के भी पार चला गया था, मतलब 7 गुना से भी ज्यादा। हालांकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन की वजह से तेल की खपत कम हुई और एक्सपोर्ट कुछ कम हुआ, लेकिन फिर भी 2020 में जब अमेरिका में चुनाव हो रहे थे तो ट्रंप की नीति की वजह से ही अमेरिका रोजाना 34 लाख बैरल कच्चा तेल एक्सपोर्ट कर रहा था। ट्रंप ने अमेरिका में कच्चा तेल ज्यादा निकालने पर जोर दिया, यूरोप और एशिया में नए ग्राहक ढूंढे, उन्हें अमेरिका का तेल भेजने का नेटवर्क बनाया और अमेरिका को इसका बड़ा फायदा हुआ। एशिया में चीन और भारत ने भी बड़े पैमाने पर ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट शुरू किया, जो उससे पहले नहीं होता था। इसके अलावा यूरोप में स्पेन, हॉलैंड, इटली, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क समेत कई देश अमेरिका से ट्रंप के कार्यकाल में ही तेल मंगवाने लगे। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तो ताकत मिली, लेकिन बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी आरोप लगाती रही कि इतने बड़े पैमाने पर कच्चा तेल निकालने का प्रकृति पर बुरा असर होगा। आरोप लगाए गए कि ट्रंप ने तेल बेचकर कमाया और अमेरिका की घरेलू अर्थव्यवस्था ठप कर दी। लेकिन मजबूरी यह है कि पुतिन पर लगाम लगाने के लिए बाइडेन को ट्रंप के रास्ते पर ही चलना है। कच्चे तेल का एक्सपोर्ट घटाने का कोई विकल्प नहीं है, बल्कि अगर रूस पर दबाव डालना है तो यूरोप की गैस और तेल की जरूरतें पूरी करने का रास्ता खोजना है। हालांकि भारत और चीन ने रूस के साथ कच्चे तेल के लिए डील कर ली है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत और चीन को कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने की जरूरत अमेरिका के लिए लगभग खत्म हो जाएगी। ऐसे में यूरोप की कच्चे तेल की जरूरतें वो पहले से ज्यादा पूरी कर सकता है। हालांकि गैस के लिए बाइडेन के सामने उसी लकीर को आगे बढ़ाना जरूरी है जिसे ट्रंप ने खींचा था।
दूसरी तरफ बाइडेन का गणित जंग की वजह से अभी से बिगड़ने भी लगा है, जिससे उन पर भारी दबाव है, जो अब साफ दिख रहा है। अमेरिका में महंगाई रिकॉर्ड बना रही है, जिसकी सीधी जो असर है वहां के लोगों को जेब पर उनको उठाना पड़ रहा है। जबकि बाइडेन सरकार को कुछ ही महीनों के बाद मिड टर्म इलेक्शन का सामना करना है, इसलिए उनके सामने चुनौती ये है कि दाम कम रखे जाएं और लोगों को राहत दी जाए, लेकिन अभी से उन्होंने महंगाई के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। बाइडेन बार बार कह रहे हैं कि पुतिन की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। यूक्रेन की जंग ने लगभग सभी देशों का बजट बिगाड़ दिया है। अमेरिका में भी तेल और नेचुरल गैस के दामों में बढ़ोतरी के बाद महंगाई काफी बढ़ गई है। बाइडेन के बयान से साफ है कि उनके ऊपर महंगाई कम करने का भारी दबाव है, लेकिन इस महंगाई के लिए बाइडेन सीधे सीधे पुतिन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि बाइडेन इस जंग में पूरी तरह लाचार दिख रहे हैं। एक तरफ दुनिया भर में उन पर यूक्रेन को अकेला छोड़ने के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके अपने देश में महंगाई के लिए भी उन्हें कसूरवार माना जाने लगा है।